फैमिली के साथ भी लड़ रहा है और फैमिली भी अपोज़ कर रही है समझ नहीं पा रहे हैं अनुभव और मैं दोनों ही टेक्निकल बैकग्राउंड से आते हैं तो दोनों को ही साइंस के लिए लगाव है दोनों ही आप लोग इतना प्यारा एडिट करते हैं कि मैं कई बार दंग रह जाता हूँ मतलब जो टेलीकास्ट हो आते हैं आ, जो सीन्स कई बार मैं वो देखता हूँ फिर मैं फ़ैन एडिट देख के मैं बोलता हूँ कि कितना अच्छा कलर करेक्शन किया है इन लोगों ने इन्होंने कितनी ज़्यादा मेहनत की है कोई कोई And आज हमारे साथ है मनन जोशी। so मतलब पिस रहे हैं ये तो बात सही है क्योंकि काफी सारा इमोशनल ड्रामा हो गया है और इमोशनली ड्रेनिंग सी सिचुएशन खड़ी हो गई है काफी अनुभव के लिए कि फैमिली के साथ भी लड़ रहा है और फैमिली भी अपोज कर रही है समझ नहीं पा रहे हैं जो सबसे ज़्यादा प्यार करता है अनुभव जिसको बड़े पापा और सब लोग के उसका दिल क्या चाहता है सो फ्रॉम मनन्स पर्सपेक्टिव टू अनुभव मुझे बोलना चाहिए कि यार थोड़ा लाइफ को शॉर्ट कर लो मतलब uh, होता है कि यू you नो know, कभी कभी बड़ों को uh, जैसे अनुभव ने कहा कि अब सबको सिर्फ अपनी ईगो सेटिस्फाई करनी है तो मे बी दे हैव दर ओन परस्पेक्टिव पर अपनी खुशी को भी उतना ही इम्पोर्टेंस uh, देना चाहिए सिर्फ अच्छी तरह से एक बार कम्युनिकेट uh, अगर जो कर लिया जाए घर वालों के साथ तो भी चीज़ें सॉर्ट हो सकती हैं यू नो तो काफ़ी हैरान परेशान है क्योंकि अच्छी तरह से कम्युनिकेट किया नहीं है और कहीं ना कहीं किया भी है तो घर वालों ने रिसीव नहीं किया अच्छे से तो घर वालों की गलती तो है सो <laughs> so, हम देख रहे हैं कि लाइक डे वन से वी बिन वॉचिंग की अनुभव थोड़े स्ट्रिक्ट uh, है एंड मतलब uh, कड़क व्यवहार के मतलब थोड़े बिहेवियर उनका बहुत ही स्ट्रिक्ट टाइप है बट hmm. uh, अनुभव वैसे नहीं है लाइक वी सी बिहाइंड द सीन्स आपके इंस्टाग्राम पे सो okay. so, uh, दोनों में काफ़ी डिफरेंसेस है बट सिमिलैरिटीज कुछ है तो डेफिनेटली मतलब हर आर्टिस्ट ढूंढता है कहीं ना कहीं वो सिमिलैरिटी अपने कैरेक्टर में जहाँ से शुरुआत की जा सके कैरेक्टर बिल्ड करने की तो कहीं ना कहीं ऐसी कुछ कुछ सिमिलैरिटीज़ हैं जैसे कि अनुभव और मैं दोनों ही टेक्निकल बैकग्राउंड से आते हैं तो दोनों को ही साइंस के लिए लगाव है दोनों ही फैमिली ओरिएंटेड हैं और बड़ों को रिस्पेक्ट करते हैं और आसपास में जो भी हो उनकी भी रिस्पेक्ट करते हैं यू नो सो इनर रिस्पेक्टिव ऑफ हु दे आर और अगर जो कोई सही से नहीं रहता तो उनके साथ उनको थोड़ा सा ऐसे लाइन पे भी ले आते हैं तो आई थिंक ये काफी सारी सिमिलैरिटीज हैं अनुभव में और मनन में okay. अपने बारे में थर्ड पर्सन में बात करने का मजा ही कुछ और है <laughs> अच्छा लगता है ना तो बात करने में ओके <laughs> okay. So, this was about you, but आपका off -screen bond किसके साथ ज़्यादा अच्छा है? दिस शो एंड के साथ बहुत ही अच्छी bonding है जैसे अभी था और uh, मैं आज मेरा टिफिन भूल गया हूँ तो मेरे पास खाना नहीं था और सडनली खाना ऐसे उड़ते हुए आ गया है। जैसे इस सेट पे पता चला कि मनन के पास खाना नहीं है तो मेहुल जो मेरे चाचू प्ले करते गुरु चाचा उन्होंने खाना भेज दिया है वहाँ से ये शाने भी बोला अरे तू स्ट्रेस मतलब खाना है यार ये वो तो बॉन्डिंग इज रियली गुड विद एवरी वन ऑन सेट तो या वेरी क्लोज नेट काइंड हाँ जी एकदम टोटली सिर्फ इतना कि यहाँ पे कोई भी मनन को परेशान नहीं करता <laughs> okay.

हाँ एडवेंचर तो करते ही रहते हैं तो कुछ न कुछ तो आएगा ही ज़रूर